जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती 2022 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी अपडेट के बारे में जानते हैं, क्या है अपडेट, कितने पोस्ट के लिए और कब से भर्ती आने वाली है। दोस्तों देखिए, आज ही का खबर है जो कि 10 मई 2022 है। यूपी में हर साल 12,000 होमगार्ड की होगी भर्ती। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हर साल आपको 12,000 पदों पर भर्ती होने जा रहा है। इस साल भी 12,000 पदों पर होगा भर्ती। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, प्रदेश में हर साल 12,000 होमगार्ड स्वयं सेवक की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 4 साल में 48,000 भर्ती की जाएगी। इसमें 20% महिला का आपको आरक्षित सीट रखा गया है। होमगार्ड विभाग ने अपनी कार्य योजना में भर्ती को भी शामिल किया है। विभाग में होमगार्ड के कुल 1,18,348 पद स्वीकृत है, जिसमें लगभग 34,000 पद रिक्त है। अगले 4 वर्ष में 15,700 होमगार्ड रिटायर हो जाएंगे। हर साल 12,000 होमगार्ड की भर्ती में 20% के हिसाब से 5,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी दोस्तों इसमें 20% महिला के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा। विभाग ने अपनी 6 माह की कार्य योजना में होमगार्ड की ड्यूटी भत्ते के साथ 1 दिन का समाप्ति अवकाश देने का प्रस्ताव। यानी दोस्तों आपको 1 दिन का छुट्टी भी अवकाश भी मिलने वाला है, शामिल किया है। इसके अलावा होमगार्ड के आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कराने का भी योजना है। विभाग ने अपनी 100 दिन के कार्य योजना में महिला होमगार्ड की अवकाश देने का प्रस्ताव की तैयारी किया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना एवं त्रिपुरा में महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश पहले से दिया जा रहा है। यानी दोस्तों जो अभी मध्य प्रदेश, बंगाल और तेलंगाना में लागू हुआ है, वो अभी यूपी में भी लागू होगा। आपको छुट्टी भी मिलने वाला है। और दोस्तों एक और खुशखबरी की बात है कि पहले 30 रुपया आपको भाता मिलता था, अब आपको 150 रुपया भाता मिलने वाला है। जो भी जहाँ ड्यूटी कीजिएगा आपको 150 रुपये भत्ता मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, गैर जिले में ड्यूटी पर मिलेगा ज़्यादा भत्ता। विभाग ने अपनी 100 दिनों को कार्य योजना में अंतर जनपदीय ड्यूटी लिए जाने के वाले होमगार्ड की प्रतिदिन 150 रुपये भत्ता देने के प्रस्ताव रखा गया है। यानी दोस्तों 150 रुपये, पहले केवल आपको 30 रुपया मिलता था। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले केवल 30 रुपया प्रतिदिन भत्ता दिया जाता था। विभाग ने माना कि किसी भी दूसरे जिले में मात्र 30 रुपये में रहने और खाने के खर्च पूरा करने की कल्पना भी संभव नहीं है। यानी दोस्तों 30 रुपये में आज कल कुछ मिल नहीं सकता है। एक अवकलन के अनुसार 1 महीने में औसत 10,000 होमगार्ड अंतर जनपदीय ड्यूटी पर भेजे जाते हैं। इस तरह प्रस्ताव अमल में लाए जाने पर 1 वर्ष में लगभग आपको 3.60 करोड़ रुपये भारतीय वित्तीय ब्याज भरे आने का अनुमान लगाया है। यानी दोस्तों अब भर्ती आने वाली है, लेकिन 12,000 पदों पर यूपी में भर्ती आएगी और आपको कुछ कुछ सुविधा के कारण सब कुछ लागू हो रहा है, इसके कारण कुछ भर्ती रुकी है, लेकिन हर साल आपको 12,000 पद पर भर्ती। तो यही अपडेट थी जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों आप सभी काफ़ी दिन से इंतज़ार भी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।